आज मैं आप लोगों को ऐसे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही कमाल का है और उसका नाम है हिट पाओ एडीमेकर। तो चलिए इसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है हिट पाओ एडीमेकर और यहाँ पे ओपन करने पे आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी। देख सकते हो हिट पाओ एडीमेकर यहाँ पे लिखा भी है और यहाँ पे हम क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने पे हमें ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, मतलब वहाँ पे भी ओपन हो ही गया था। फिर यहाँ पे हम सिंपल से इंपोर्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपनी कोई भी वीडियो इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे सीधा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो आ गए टाइमलाइन पे और टाइमलाइन पे आने के बाद हम इसे थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि हम मॉडल्स की वीडियो बनाते हैं तो उसी तरह आप मॉडल की वीडियो इंपोर्ट कर लो। फिर उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा स्प्लिट कर लेंगे जहाँ पे भी ट्रांजिशन हमें दिख रहा है। फिर देख सकते हो आपको ऊपर कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे हम सीधा क्लिक करेंगे यहाँ पे इफ़ेक्ट्स में। तो ये रहा हमारा इफ़ेक्ट्स, ये वाला इफ़ेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे वीडियो इफ़ेक्ट्स है और ऑडियो इफ़ेक्ट्स है और फ्रेम इफ़ेक्ट्स है। तो अब हम बॉडी इफ़ेक्ट्स पे पहले क्लिक करते हैं, ये न्यू है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो बहुत सारे बॉडी इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो नॉर्मली किसी और वीडियो एडिटर में मतलब अच्छे से फिक्स नहीं होते, ना ही वो अच्छे दिखते हैं। तो यहाँ पे आप किसी पे भी ऐसे क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो जहाँ पे भी आपको वो बॉडी इफेक्ट चाहिए। तो आप देख सकते हो बॉडी इफेक्ट कुछ ऐसा आएगा और एकदम परफेक्ट आएगा, आपका कैरेक्टर से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा, वही इसकी सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप सिंपली इफेक्ट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ये एकदम बिल्कुल ही आसान होता है आपके लिए। और यहाँ पे आप अपने इफ़ेक्ट्स को एडजस्ट करके देख सकते हो कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कहाँ पे क्या चीज़ एकदम परफेक्ट चाहिए तो आप उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं इफ़ेक्ट को उस इफ़ेक्ट्स को दिखा रहा हूँ जो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ बहुत ही यूनिक इफ़ेक्ट्स है, वो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे आपके वीडियो में, तो आप वो चीज़ अप्लाई कर सकते हो। फिर राइट साइड में आपको जो पैनल दिख रहा था तो यहाँ पे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो कलर की, मतलब उन इफ़ेक्ट्स में आप कलर जो चाहते हो वो आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे रेड ब्लू येलो, मतलब जो आपका मर्जी वो एडजस्ट कर सकते हो। और तो और मतलब सिर्फ कलर ही नहीं, आप उसकी सारी एडजस्टमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दूसरा इफेक्ट अप्लाई किया, उसके बाद देख सकते हो कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं इसकी स्ट्रेंथ भी एडजस्ट कर सकता हूँ, इसका फेदर भी एडजस्ट कर सकता हूँ, इसकी ओपेसिटी भी एडजस्ट कर सकता हूँ, इसका ओवरले भी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे फीचर्स आपको किसी और सॉफ्टवेयर में देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे मैं ओवरले को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा, फिर उसके बाद हम इसे थोड़ा सा प्ले करके देखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्ले करके बार बार देख सकते हो कि आपके वीडियो पे कैसा इफेक्ट अप्लाई करना है आपको और कैसा वो लगना चाहिए देखने में। यहाँ पे फिर हम आ जाते हैं हमारे फ्रेम इफेक्ट पे। यहाँ पे बेसिक में मैंने फ्रेम इफेक्ट को यार ड्रैग एंड ड्रॉप किया, देख सकते हो 2D फ्लेम मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद आप इसको भी एडजस्ट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो देख सकते हो हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में, जिस हिसाब से आप अगर इस पर एडिट करते हो अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से तो वो आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो स्प्लिट स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है बहुत सारी, तो आप अपने वीडियो में स्प्लिट स्क्रीन के फ्रेम को भी यूज़ कर सकते हो अलग अलग इफेक्ट्स दिखाने के लिए। जैसे कि कॉमिक में आप दिखा सकते हो उस तरह का, मतलब इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है वापस से ही और यहाँ पे आपका इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपको और किसी चीज़ों में नहीं मिलती, मतलब सारी चीज़ इसी में यार। फिर उसके बाद आप आगे भी देख लो, यहाँ पे हम पहले अपना वीडियो पहले प्ले करके देख लेंगे कहाँ पे हमें और क्या चीज़ ऐड करनी है और क्या चीज़ इस वीडियो को और बेहतर कर सकती है। तो यहाँ पे हम स्प्लिट कर देंगे अपनी वीडियो को एक और बार, यहाँ पे क्लिक करके स्प्लिट करने के बाद देख सकते हो ये हमारा। फिर हम आ जाते हैं ट्रांजिशन में। ट्रांजिशन में आने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रांजिशन मिलेंगे, जैसे कि ट्रेंडिंग, बेसिक, साइड शो, मोशन और इफेक्ट्स और 3D। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। मैं मोशन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको जो भी ट्रांजिशन अच्छा लग रहा है आप उसे सिंपली यहाँ पे डाउनलोड करो क्लिक करके एक बार, फिर यहाँ पे उसे बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो आपके स्प्लिट पे। और यहाँ पे आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हो। पहले हम इसे प्ले करके देखेंगे थोड़ा सा क्यों कैसा लग रहा है। तो ऐसा हमारा इफेक्ट आ रहा है, मतलब ट्रांजिशन आ रहा है हमारे वीडियो पे। आप यहाँ पे उसे एडजस्ट भी कर सकते हो अपने ट्रांजिशन को, हल्का सा उस पर क्लिक करके और उसे एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे और ट्रांजिशन देखने को मिल जाएंगे जो हम यहाँ पे दूसरी जगह पे हम प्लेस करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे भी हमारा स्प्लिट है तो हम यहाँ पे दूसरे और ट्रांजिशन आपको ऐड करके दिखाते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करके मतलब किसी को भी डाउनलोड करके जस्ट उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हमें 3D देखने को मिल रहा है बहुत सारे, तो हम 3D को प्लेस कर देंगे यहाँ पे बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके। और यहाँ पे उसको एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा उसका लेंथ,
और ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा हमें, मतलब उस पर शेक आएगा जो 3D है ये, तो 3D टाइप का लगेगा देखने में। और फिर हम यहाँ पे एक और ट्रांजिशन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कट कर देते हैं वहाँ पे स्प्लिट। फिर यहाँ पे हम एक और ट्रांजिशन ऐड कर लेते हैं, जो हमें जो आपको अच्छा लगे वो आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सिंपली और ट्रांजिशंस को ऐड करेंगे, जैसे कि हम किसी भी ट्रांजिशन को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे मैंने मोशन में से एक और ट्रांजिशन अप्लाई कर दिया। इसकी भी लेंथ आप एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से, उसके बाद इस ट्रांजिशन को अप्लाई कर दो, तो ये मतलब वीडियो और भी अच्छा होता जा रहा है, क्योंकि आपको इतने सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने एलिमेंट्स पे। एलिमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्टिकर्स देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे, ट्रेंडिंग, लव, जिन स्टिकर्स का यूज़ करके आप अपनी वीडियो को और भी ज़्यादा अमेजिंग बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस स्टिकर को अप्लाई करके देखता हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, हार्ट इफेक्ट, मतलब हार्ट जैसा है, तो इसे हम प्लेस कर देंगे थोड़ा सा, मतलब इसकी एडजस्टमेंट करेंगे पहले, इसका रिसाइज करेंगे इसको और इसे पीछे प्लेस कर देंगे, तो देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, तो हम यहाँ पे और भी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, जैसे कि स्टिकर्स में ही लव सेक्शन में ही हम और चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, ये पॉपअप जैसा हम इसे ऐड कर सकते हैं। तो आपको जो भी ऐड करना है ना, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, सिंपल है एकदम, मतलब कोई भी ज़्यादा आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की तरह मतलब बहुत सारी सेटिंग्स नहीं करनी पड़ेगी, बस अपने अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, वो एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा। तो यहाँ पे हार्ट ब्लास्ट जैसा है, तो उसे हम अप्लाई करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम उसे फेस पे रख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन कुछ ऐसा दिखेगा तो और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आप स्टिकर्स को भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टिकर्स मिल जाएंगे, उनकी बहुत सारी वैरायटीज़ है। अब हम यहाँ पे फाइनल एडजस्टमेंट करेंगे थोड़ा सा, और यहाँ पे हम चल सकते हैं यहाँ पे फिल्टर्स पे। फिल्टर में भी आपको यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ट्रेंडिंग, फ्रेश, मूवी स्टाइल, कूल स्टाइल, पंक स्टाइल, साइबर स्टाइल, बहुत सारे इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप उसे सिंपली ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो अपने वीडियो पे, और आप उसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप हर जगह ये चीज़ें नहीं कर सकते। यहाँ पे मुझे और ऑप्शन दिख रहे हैं फिल्टर्स के, तो यहाँ पे मैं स्टाइलिस्ट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे और भी इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, मतलब फ़िल्टर्स देखने को मिल जाएंगे भाई। तो यहाँ पे मैंने फ़िल्टर अप्लाई किया, फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हो ये हमारा वीडियो क्लिप कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे आप उसकी स्ट्रेंथ भी एडजस्ट कर सकते हो, फिर हम यहाँ पे और भी अच्छी चीज़ कर सकते हैं, मतलब देख सकते हो हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारा फाइनल एडजस्टमेंट है। इसके बाद हम वीडियो बस ख़त्म करने वाले हैं, तो ये हमारा पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, हम बस एंड की तरफ है, तो हमें बस लास्ट कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी है जो कि बहुत अच्छी लगेंगी देखने में, तो वो चीज़ भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रांजिशन में दोबारा आएंगे, और ट्रांजिशंस को आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, और भी सारे ट्रांजिशंस बहुत सारे अभी बहुत सारे। तो यहाँ पे हमें ग्लिच ट्रांजिशन को अप्लाई कर लेते हैं ट्रेंडिंग में से, यहाँ पे हम स्प्लिट पे जस्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, और देख सकते हो हमारा ग्लिच ट्रांजिशन बहुत ही ऑसम लग रहा है देखने में। अब मैं आपको इसका लास्ट फीचर दिखाना चाहता हूँ, जो कि है AI बैकग्राउंड रिमूवर। तो आप सिंपल सी अपनी कोई भी वीडियो या फिर फोटो को इम्पोर्ट करो, इम्पोर्ट करने के बाद उसकी लेंथ एडजस्ट कर लो, लेंथ एडजस्ट करने के बाद आपको मतलब पता होनी चाहिए वो वीडियो पे कहाँ पे होनी चाहिए वो फोटो, तो ऐसे उसे अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमें इफ़ेक्ट देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे AI टूल्स। तो हम यहाँ पे AI कटआउट को इनेबल कर देंगे, और यहाँ पे देख सकते हो आप इसका बैकग्राउंड एकदम परफेक्टली रिमूव हो चुका है, मतलब और किसी सॉफ्टवेयर में वाई रिमूव करने में टाइम लगता है, वो उसको एनालाइज करेगा ये वो होगा। तो आप सिंपल सा आप किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो AI कटआउट की मदद से, और यहाँ पे आप सिंपल सा उसको एडजस्ट करके रख दो जहाँ पे भी आपको प्लेस करना है वो वीडियो में आपके जहाँ पे भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हम एनिमेशंस पे भी इस पर क्लिक करके इसको एनिमेट कर सकते हैं किसी भी तरह से, जैसा भी आप यहाँ पे एनिमेशन देना चाहते हो आप एनिमेशन दे सकते हो अपने हिसाब से, इन आउट और कॉम्बो, मतलब जो भी एनिमेशंस आपको देने हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे आपको एनिमेशन देने में कोई भी प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये एकदम से परफेक्ट एनिमेट करता है चीज़ों को। एनिमेशन हो जाने के बाद आप अपनी इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे, सीधा एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट सेटिंग देखने को मिल जाएगी, 4K तक आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1080p सेलेक्ट कर रहा हूँ और 60fps सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आप यहाँ पे फाइल का कोई भी नाम दे सकते हो, किस फोल्डर में सेव करना हो वो देख सकते हो, मतलब जिस भी फोल्डर में आपको सेव करना है वो सिलेक्ट कर लो और सिंपल से यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दो। अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये वीडियो अभी एक्सपोर्ट नहीं करनी है। तो
तो अभी चलते हैं अपने लास्ट प्रोसेस पे जो होगा हिट पाओ एडीमेकर को डाउनलोड करने का। तो यहाँ पे सिंपली डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो आप सिंपल सा यहाँ पे पहुँच जाओगे। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको हिट पाओ एडीमेकर डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है, आपको देख सकते हो ऊपर डाउनलोड बटन है जहाँ पे पहले आप पूरा का पूरा यहाँ पे चीज़ें उसकी देख सकते हो। यहाँ पे उन्होंने फीचर्स सारे एक्सप्लेन किए हैं कि इस एडीमेकर में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो इस पूरे के पूरे लिंक में आप देख सकते हो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे इनका एडीमेकर बहुत ही अच्छा वीडियो एडिटर है। और ऊपर चलते हैं हम सिंपल सा इस पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं, और डाउनलोड बटन पे क्लिक करने के साथ ही आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड स्टार्ट होने के बाद आप देख सकते हो फाइल, उस पे क्लिक करो और सिंपल सा इसको इंस्टॉल कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।